गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब बढ़िया चल रहा होगा, है? और नोटबुक वगैरह आप लोग कंप्लीट कर रहे होंगे, ठीक है? काफी मैंने जोर दिया हुआ है आप लोगों पर नोटबुक कंप्लीट करने के लिए, और हो सकता है आप में से कुछ बच्चे मुझसे नाराज भी हो कि सर क्या करते हैं ये, इतना सारा जो है काम दे दिया करने के लिए, इतना प्रेशर डाल रहे हैं। बट आपको इसकी यूटिलिटी समझ में आएगी जब फाइनल एग्जाम होंगे ना, और उस टाइम आपके पास कॉपी कंप्लीट होगी और आपके पास सिस्टमेटिक नोट्स बने होंगे, उस टाइम डेफिनेटली आप जो है मुझे थैंक यू बोलोगे, सर आपने अच्छा किया कि पहले हमारे हमको डंडे मारे ताकि हमारा जो है काम टाइम से कंप्लीट हो सका। और कॉपी भी कवर लगानी है, इंडेक्स बनाना है, ऐसे ही कुछ है, मैं बार बार बोलता रहता हूँ और बोलता रहूंगा, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं एक नया बहुत ही सुंदर सा चैप्टर जिसको बोलूंगा साउंड, ठीक है? देखो भाई, साउंड चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट भी है, हालांकि बहुत सारी चीजें डिलीट हो चुकी इसमें से, ज्यादा लंबा चैप्टर अपना रह नहीं गया, ये साउंड छोटा सा चैप्टर है, ठीक है? साउंड की डिफरेंट डिफरेंट जो है आपने कैटेगरी सुनी होगी, डिफरेंट डिफरेंट साउंड सुनी होगी, एक कोई सुनता है सिद्धू मूसे वाले को, है कोई सुनता है पप्पी लेरी को, कोई सुनता है जस्सी गिल को, व्हाट्सएवर, है कितनी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ साउंड होती है, वो तो आपने सुनी। अब जरा वो होती क्या है, चलो उसको पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है? होती क्या है, यहाँ मैंने कुछ लिखा हुआ, जल्दी इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट करो, और कोई अगर वर्ड समझ में नहीं आ रहा हो तो जस्ट वीडियो को देखने के साथ साथ मैं हर एक पॉइंट जो आपको समझाते हुए चलूंगा। नोट कर लिया? ओके, अब देखिए सबसे पहले साउंड क्या होता है। साउंड जो है वो एक एनर्जी की फॉर्म है, मतलब साउंड क्या है, वही साउंड जो है वो एनर्जी की फॉर्म है। जब मैं कोई हरकत करूंगा, जब मैं अपनी बॉडी से कोई एनर्जी रिलीज करूंगा, तो वो साउंड की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है? ऐसा नहीं कि साउंड अपने आप प्रोड्यूस हो जाएगी, अपने आप कैसे प्रोड्यूस करोगे भाई तुम लोग? आपको कोई ना कोई काम करना होगा, वर्क करना होगा, या फिर कोई भी ऐसा चीज करनी होगी जो आपकी बॉडी की एक फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है वो दूसरे में ट्रांसफर हो जाएगी, तो वो साउंड की फॉर्म में जो है वो ट्रांसफर हो सकती है। तो साउंड अल्टीमेटली क्या होती है, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव। साउंड जो है भाई हमें दिखाई नहीं देती ना, बट ऐसा माना गया है कि साउंड जो है वो क्या होती है, आपकी इस तरह से वेव की फॉर्म में जो है वो ट्रेवल करती है, ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव, वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है। यानी हम ये भी बोल सकते हैं कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which causes the sensation of hearing। जब भी कोई साउंड प्रोड्यूस होती है तो हमारे कान में झनझनाहट हो जाती है और हमें जो है वो चीजें सुनाई देने लगती है। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which also causes the sensation of hearing। ये चीज बताई गई है। अब यहां पर एक वर्ड आया वेव, जरा मैं पहले किसी को समझाता हूं कि वेव का मतलब क्या होता है। आपने वेव का मतलब सर, वेव का मतलब ये अरे भाई डांस नहीं करना है, अब जरा समझ लेते हैं कि वेव क्या होता है। वेव क्या होता है, वेव इज अ डिस्टरबेंस प्रोड्यूस्ड इन द मीडियम। मैंने क्या किया, दो स्ट्रिंग ली, एक स्ट्रिंग ली, उसको एक सेंड से बांध दिया, एक सेंड से बांध दिया इस तरह से टाइट से। अब मैं ये करूंगा, अगर मैं इसको टिक नीचे खींचता हूं, ऊपर खींचता हूं, इसमें जो है अगर मैं इस तरह से हाथ मारता हूं, ठीक है, तो क्या होगा, इसमें इस ये प्रोड्यूस होगा, ठीक है? आप देखिए इस तरह से ये जो है इसमें सेंसेशंस वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होगी, और वही क्या होती है, वेव्स होती है। तो वेव्स कब प्रोड्यूस होती है, जब हम किसी मीडियम में जो है डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं। ये कोई ये मीडियम था, मतलब मीडियम बोले तो जैसे सपोज कोई एयर का मीडियम था, एयर का मीडियम है एयर, ठीक है? तो मैंने क्या किया, स्ट्रिंग को लगाया वहां पर, एयर के पार्टिकल्स आराम से घूम रहे थे। मैंने क्या किया, स्ट्रिंग को खींचा, उसे स्ट्रिंग में एयर के पार्टिकल्स ऊपर धक्का मारने लगे। इससे क्या हुआ, एक वेव जो है वो बनी। तो मीडियम में डिस्टरबेंस करने से आपकी जो है वो वेव जो है वो बनती है। हालांकि जरूरी नहीं है कि सिर्फ मीडियम ही जरूरत होती है वेव को प्रोड्यूस होने के लिए। कई वेव्स ऐसी होती हैं बेटा जो कि बिना मीडियम के भी ट्रैवल करती है, मतलब कोई मीडियम नहीं होता। सर मीडियम का मतलब कैसे भाई, सॉलिड एक मीडियम है, लिक्विड एक मीडियम है, गैस एक मीडियम है, ऐसे एक और मीडियम होता है वैक्यूम, जहां गैस भी नहीं होती। चंद्रमा में चले जाओ, मून पर चले जाओ, आपको मिल जाएगा वो मीडियम। मून पर चले जाओ, आपको वहां पर वैक्यूम कंडीशन मिलेगी, और वहां मून पर ना मेरी आवाज जो आप लोगों को ना
वहां पर कई तरह की वेव्स जो है वो सुनाई नहीं देती है। चैप्टर में पढ़ेंगे हम इस चीज के बारे में, मून पर कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो वेव क्या होती है, मीडियम में डिस्टरबेंस करने से जो प्रोड्यूस होती है उसको मैं कहूंगा आपका वेव कहूंगा। हालांकि कुछ वेव ऐसी होती है जो बिना मीडियम के भी ट्रेवल करती है, ठीक है। वेव्स जो होती है बेटा दो तरह की है, वेव्स की भी कैटेगरी में आती है दो तरह की है। सबसे पहला तो आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड सेकंड जो आपका है वो है आपका मैकेनिकल वेव। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सेकंड है मैकेनिकल वेव। अब क्या होती है, देखो सबसे पहले मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव नाम से पता लग रहा है कि इनको जो है देखो इनको कोई ना कोई मैकेनिकल, मैकेनिकल का मतलब होता है इनको कोई ना कोई मीडियम, मैकेनिकल मतलब इनको कोई ना कोई मीडियम चाहिए ट्रेवल के लिए। Either they travel in the solid, either travel in the gas, either travel in the liquid. इस तरह के मीडियम में चल सकती है, पर वैक्यूम की कंडीशन, वैक्यूम जहां होगा जहां कोई गैस नहीं होगी, वैक्यूम की कंडीशंस में मैकेनिकल वेव ट्रेवल नहीं कर सकती। वो ट्रेवल तो करेगी, ट्रेवल भी नहीं कर सकती, हमें पहली बार तो दिखाई देंगी नहीं, सुनाई देंगी नहीं, अगर उससे साउंड वेव है तो देखते हैं कि नहीं है। तो क्या होता है, they cannot travel through vacuum. बता दिया कि मैकेनिकल वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, मीडियम की जरूरत होती है मैकेनिकल वेव को, they cannot travel through the vacuum. वैक्यूम से वो ट्रेवल नहीं कर सकते मैकेनिकल वेव, पहली चीज। सेकंड चीज यहां पर क्या बताई गई है कि they need a material और मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। बताया तो सही मैंने तुम्हें, बताया तो सही मैंने तुम्हें कि भाई उनको एक मीडियम चाहिए होता है ट्रेवल करने के लिए। मीडियम बोले तो वो एक माध्यम चाहिए होता है, या तो वो सॉलिड में चलेगी, या वो लिक्विड में चलेगी, या वो गैस में, गैस के मॉलिक्यूल्स को पार्टिकल्स को कट कर कर के आगे जाएगी, पर जहां कुछ भी नहीं है वहां पर ये नहीं चल पाएंगी मैकेनिकल वेव। अरे समझ में आ रहा है तो लाइक कर दो भाई, अभी क्या भी नहीं, अभी के अभी लाइक करो, जल्दी से लाइक करो, जितने बच्चे इस वीडियो को देखेंगे उतने ही लाइक होंगे, जल्दी से लाइक करो अगर समझ में आ रहा है। हां वेरी गुड, ठीक है। तो दे नीड अ मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। नेक्स्ट बताया गया कि हां पहली चीज होगी, अब हम इस पे आते हैं, पॉइंट बाद में समझेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, ये ऐसी वेव होती है जो कि हमें नजर आती भी है कुछ, कुछ नजर नहीं भी आती है। जैसे कि एक्सरे करवाने के हॉस्पिटल में अगर एक्सरे की वेव आपको नजर आती है नहीं, और सिंपल बताता हूं, मोबाइल में कॉलिंग करते हो रेडियो वेव्स होती है, आसपास है आपके कमरे में ही बहुत सारी है, आपको देख रही है, क्या नजर आ रही है, नहीं नजर आ रही। अल्ट्रावायलेट रेज सन से आ रही है, क्या हमें नजर आ रही है, नहीं आ रही, ठीक है। तो ऐसी वेव जो विजिबल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, उनको हम बोलूंगा, जैसे विजिबल कौन सी हो सकती है, सारे कलर्ड वेव है, रेड कलर आपको दिखाई देता है, रेड कलर की वेव्स जो है वो निकल रही है। विजिबल रेज कहूंगा जो मैं ब्लू, ऑरेंज, वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, रेड ऐसे करके जो है इनको बोलूंगा विजिबल रेज, एंड दे कम्स इन द कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये जो है इनको कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती। चंद्रमा में जो है आप अगर जो है कोई भी कलर ले जाओगे आपको कलर दिखाई देगा, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट से जो वेव निकल रही है विजिबल रेज, उनको कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती। पर चंद्रमा में आप अगर बोलोगे ना ऐसा होगा, क्योंकि साउंड वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है, आइदर वो लिक्विड, आइदर वो सॉलिड। जिस रूम में मैं भी हूं, अगर वहां से सारा सॉलिड भाग निकलता है, सारा सॉलिड, मतलब कोई वॉल ही नहीं है। अब रूम नहीं होगा तो रूम नहीं है तो कैसे वॉल होगा, मतलब उस मैं बोल देता हूँ कि जहां मैं खड़ा हूं यहां पर सब कुछ डाल दूं, गैस भी डाल दूं, सॉलिड भी डाल दूं, लिक्विड भी डाल दूं, सब कुछ डाल दूं, तो मैं बोलूंगा आपको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि इन साउंड वेव्स को ट्रेवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम की जरूरत होती है। बट लाइट को, सन से लाइट आ रही है, सन से जो है रेडिएशन आती है यहां तक, सन से होते हुए मून और कई प्लैनेट से होते हुए अर्थ में आती है, कोई मीडियम नहीं। ऐसे तो नहीं कि तुमने कोई सीढ़ी लगा रखी है, या तुमने कोई जो है सॉलिड बिछा रखे है, कोई लिक्विड है, ऑम है, ठीक है, वहां से होती आ रही है, इनको किसी तरह के मीडियम की जरूरत नहीं होती। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ये ट्रेवल करती है वैक्यूम से, लेकिन ऑल्सो ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, वैक्यूम मतलब जहां पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ खाली है वैक्यूम, ठीक है। ये आपकी गैस में भी ट्रेवल कर सकती है, सॉलिड में भी ट्रेवल कर सकती है, लिक्विड में भी ट्रेवल कर सकती है, गैस में भी ट्रेवल कर सकती है, वैक्यूम में भी, हर एक मीडियम में ट्रेवल कर सकती है ये। बट मैकेनिकल वेव जो है कभी भी आपका वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती,
ये पॉइंट बताया हुआ है। आगे जो बताया हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड होती है ना वो बहुत ज्यादा होती है, मैक्सिमम स्पीड होती है। इनकी जो स्पीड होती है बेटा वो होती है इनकी 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, 30 करोड़ मीटर पर सेकंड की स्पीड निकलती है, 30 करोड़ मीटर पर सेकंड, थोड़ी इमेजिन। और इनकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है वैक्यूम के अंदर, वैक्यूम के अंदर सबसे ज्यादा स्पीड होती है इनकी साउंड सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। और वही जो है मैकेनिकल वेव की स्पीड है ये सबसे ज्यादा सॉलिड्स में होती है, फिर लिक्विड्स में कम होती है, और गैस में जो है सबसे कम होती है, वैक्यूम में तो मैंने सुनाई देती ही नहीं, इनका उल्टा है ठीक है। और इनकी स्पीड जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बहुत कम होती है। साउंड की स्पीड ये होती है 330 किलोमीटर पर सेकेंड, 330 किलोमीटर पर सेकंड, एक सेकंड में 330 किलोमीटर चल सकती है, बट ये आपकी जो है ये 30 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड चल सकती है, 30 लाख किलोमीटर, एक 330 एक 30 लाख, इमेजिन कर सकते हो। इनकी स्पीड बहुत कम होती है वेव से, इनकी स्पीड में सबसे ज्यादा होती है किस में होती है, वैक्यूम के अंदर। अब इसके में एग्जांपल्स क्या रहेंगे, ऑल रेडिएशंस वेदर विजिबल हो वेदर इनविजिबल हो, दिखाई दे रही है ना ये दिखाई दे रही है, इनके अंदर क्या एग्जांपल्स मैंने आपको बताया, एक्सरेस, रेडियो वेव, गामा रेज, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव ओवन, अगर आप घर में रखा हुआ है तो खाना गर्म करने के लिए चीज यूज होती है, उसके अंदर जो है आपको वेव नजर नहीं आती है, आपने बटन दबाया बस वेव प्रोड्यूस हुई, खाना गर्म हो गया ठीक है। और यहाँ पर जो है कि इनको जो है मैंने बताया तो इंफॉर्मेशन के मीडियम की जरूरत होती है, किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। इनके अंदर एग्जाम्पल आ जाएगा वाटर वेव, वाटर के अंदर जो है वेव, कभी भी बेटा अगर बॉम्ब जो है, बॉम्ब आप देखो, बॉम्ब जो है आप एक फोड़ो, एक आप जो है बॉम्ब को हवा में फोड़ो ठीक है, चलो एग्जाम्पल बात देते हैं। आप देखो वाटर के अंदर जो भी वेव हम प्रोड्यूस करते हैं, हमने वाटर को घुमा दिया कोई वेव प्रोड्यूस हुई, उसमें बोलो वाटर वेव वो मैकेनिकल वेव आएगा, तो उसको मीडियम की जरूरत है। स्प्रिंग वेव, स्प्रिंग को आप लिया टिंग, स्प्रिंग वेव साउंड जो मैं आपको बोल रहा हूं ये जो है मैकेनिकल वेव है, बिकॉज़ दे ऑल नीड अ मीडियम, ऑल नीड अ मीडियम। बहुत अच्छी तरह से मैंने आपको वेव्स के बारे में समझाया, साउंड के और उसके बारे में बताया। हम लोग अभी अब क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मैकेनिकल वेव को फिर से क्लासिफाई करेंगे। मैकेनिकल वेव जो है वो दो तरह की होती है आपकी, एक होगी आपकी लॉन्गिट्यूडिनल वेव और दूसरी होगी ट्रांसवर्स वेव ठीक है। तो वो सब अपने सिलेबस में है। तो मैंने आपको आज के लेक्चर में साउंड क्या होती है, एनर्जी की फॉर्म है, व्हिच कॉजेस हियरिंग ऑफ सेंसेशन इन अवर इयर्स, तो इयर्स तो जो है ये इसको मीडियम की जरूरत होती है ट्रैवल करने के लिए, वेव्स को आइदर हो भी सकती नहीं भी हो सकती है ठीक है। तो हम जो है ना साउंड के अंदर, साउंड के अंदर भी घुसेंगे, साउंड किस साउंड इसके अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। जल्दी से मेरे व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करो कि सर अगर आपने ये लेक्चर अभी देख लिया तो मुझे मैसेज करो कि साउंड किसके अंदर आएगा। वैसे मैंने लिख दिया है बोर्ड में, फिर भी आप मुझे बताओ कि साउंड जो है किसके अंदर आएगा। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मैकेनिकल वेव का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ठीक है। तब तक आप यहाँ तक नोट कीजिए बेटा, और वीडियो को लाइक जरूर करना यार, बहुत कंजूस हो आप लोग सच में, ऐसे बच्चे जो पता नहीं देख लेते हैं फॉर्मेलिटी कर रहे हैं बस। आपको जुड़ना होगा अपने टीचर से, आपको मुझसे जुड़ना होगा, दिल से जुड़ना होगा बेटा, तभी आप मुझसे एडवांटेज ले पाएंगे और मैं अपना जो है पूरा जितना भी नॉलेज है वो आप लोगों तक दे पाऊंगा। यू नीड टू कनेक्ट विद मी, मैं यहाँ पर जो है आप लोगों को सिखाने आया हूँ, आप लोगों से दोस्ती करने आया हूँ, तो आप लोगों को बेटा एक मेरा फ्रेंड बनना होगा। आप लोगों को जो है मैं बोलता हूँ वो चीज कर दिया करो, लाइक वाइक कर दिया करो तुम लोग ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप जो है अपने घर पे सेफ रहें। जय हिंद जय भारत। ठीक है बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं। ये देखो मैकेनिकल वेव्स को दो पार्ट में क्लासिफाई किया हुआ है, एक आपकी है ट्रांसवर्स वेव और दूसरी है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ठीक है। ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, पहले से एग्जांपल है वेव्स प्रोड्यूस इन अ स्ट्रिंग एंड एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको लिखना एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ठीक है। तो आप देखिए ना ट्रांसवर्स वेव का अच्छे से गलत लिखते पड़े यहां पर, इसकी जगह आप लिखो लॉन्गिट्यूडिनल वेव ना, थोड़ा चेंज हो जाएगा, यहां लिखो लॉन्गिट्यूडिनल वेव
लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ठीक है। तो क्या होती है ट्रांसवर्स वेव? ट्रांसवर्स वेव में क्या होगा, जैसे मैं आपको बोलूं मैंने क्या किया, सपोज करो कोई स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग है, कोई धागा है, उसमें मैंने क्या करा, धागे को जोर से प्लग इन किया, टिक करके ऐसा करके घूमेगा, उसके अंदर जो वेव प्रोड्यूस होगी उसको बोलूंगा ट्रांसवर्स वेव। अब उसमें हुआ क्या है वो सुन लो, हुआ उसमें ये है, देखो जैसे उसमें स्ट्रिंग को नीचे ऊपर खींचा तो क्या होगा बेटा कि इसमें जो है ऊपर नीचे से वाइब्रेट करेगी, इसमें मोशन जो है वो ऐसा होगा ऊपर नीचे, ठीक है, अप एंड डाउन, और इसको जो पार्टिकल्स है वो कैसे मूव कर रहे हैं, देखो वेव्स कैसे प्रोड्यूस होगी, ये वेव प्रोड्यूस होगी इसमें, आप अगर देखोगे तो वेव जो है स्ट्रिंग के अंदर किस तरह से प्रोड्यूस हो रही है वेव, और उसके पार्टिकल्स और जो है उसमें आपको लगेगा कि भी स्ट्रिंग ऐसे घूम रही है, ऐसे ही घूम रही है बेटा, इसकी स्ट्रिंग जो है वो ऐसे ही घूम रही है, क्योंकि उसमें पार्टिकल्स जो है ना, जो पार्टिकल्स है स्ट्रिंग के वो इसमें से मूव कर रहे हैं, बट जो उसमें वेव का मोशन वेव प्रोड्यूस होगी वो इस तरह से वेव प्रोड्यूस होगी। अब वेव का डायरेक्शन क्या है, इधर की साइड ये रहा, और पार्टिकल्स कैसे मूव कर रहे हैं, पार्टिकल्स अपनी पोजीशन पर, ये वाला पार्टिकल्स ऊपर की साइड, ये वेव प्रोड्यूस इधर की साइड, पार्टिकल्स का मोशन ऊपर है, वेव्स का मोशन ऐसे है, तो जो ये एंगल बनेगा इनके बीच में, इस एंगल को 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। तो अगर ऐसी वेव्स जिसके अंदर जो है जो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव है जिस डायरेक्शन में वो अगर परपेंडिकुलर है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का मोशन कैसे हो रहा है भाई, ऊपर नीचे, वेव कैसे जा रही है आगे। तो पार्टिकल्स का और वेव का जो मोशन है वो अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, इस टाइप की वेव को क्या बोलूंगा, ट्रांसवर्स वेव बोलूंगा। कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है, हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि आपकी कोई सी भी हो सकती है, ठीक है, रेडियो वेव, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज जो हमें कलर्स दिखाई देते हैं, उसमें ऐसे होता है वेव्स का और पार्टिकल्स का मोशन जो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और वही लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव में मैंने क्या करा, किसी स्प्रिंग को, ये थी स्प्रिंग फिक्स कर दिया, और मैं क्या कर रहा हूं, यहां से मैंने इसको पकड़ा छोड़ दिया, इसमें तो अगर मैं इसको खींच कर छोड़ दूं तो ये वेव जो है, ये स्ट्रिंग है, इस तरह से वाइब्रेट करेगी, इसमें क्या होगा, वेव भी ऐसे प्रोड्यूस हो रही है, कि वेव तो हमेशा ऐसे प्रोड्यूस होती है, और पार्टिकल जो है, पार्टिकल यहां पर वो भी इसी डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहा है, यानी वेव का डायरेक्शन और पार्टिकल के मोशन का डायरेक्शन वो क्या है, पैरेलल है। The type of wave in which the direction of motion of particles is parallel to the direction of motion of wave. Particles का motion और wave का motion अगर parallel हो जाए, उस type की wave को मैं कहूँगा longitudinal wave, और वहाँ पर जो है आपकी spring wave वहाँ आ जाएगी और sound wave भी है उसके अंदर आ जाएगी। Sound wave कैसे आती है longitudinal wave के अंदर, ये मैं आपको जो है next video में बताऊँगा। फिलहाल आप बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव को समझा, ये डिफरेंस को नोट कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय।